प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आइए आज हम लोग लाजवर्त कौन पहने, कौन नहीं पहने, किन दशाओं में पहने, किस ग्रह के लिए पहने तो बेहतर लाभ उठा सकता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। हम लोग जानते हैं कि शनि ग्रह जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होता है हमारी जन्म कुंडली में, और शनि देव के लिए हम लोग नीलम रत्न को जानते हैं। नीलम रत्न सिलोनी नीलम आता है, और एक उसका बैंकाकी नीलम आता है, और एक और उप रत्न आता है उसका नाम है नीली, और एक और रत्न आता है कटैला तो या जमुनिया। इतने प्रकार के रत्न हैं, उनमें से एक ही सबसे सस्ता, सबसे साधारण और बहुत ही प्रभावशाली रत्न है, जिसका हिंदी नाम है लाजवर्त, इंग्लिश नाम है लैपिस लेजुली। और ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव और ज्योतिषीय ज्ञान के आधार पर बता रहा हूँ कि लाजवर्त बड़ा ही प्रभावशाली रत्न है, और यहाँ तक कि ये शनि के रत्न नीलम सिलोनी नीलम की भांति तुरंत प्रभावी होता है। तो अब इसमें बहुत सारे ज्योतिषियों का मत है कि जो व्यक्ति, जो जातक शनि के रत्न सिलोनी नीलम को नहीं धारण कर सकता है, जो बैंका के नीलम को भी धारण नहीं कर सकता है, और जो नीली को भी धारण नहीं कर सकता है, वो इस लाजवर्त को धारण कर ले तो लाभ होगा। बहुत सारे ज्योतिषियों का यह भी कहना है कि यदि शनिदेव 6, 8, 12 में चले जाएं और वहाँ हम नीलम या नीली नहीं पहुँच सकते, वहाँ पे हम लाजवर्त को धारण कर लें तो हम शनि को डाइल्यूट कर लेंगे। ये निहायत ही गलत धारणा है और अपने आप को आफत में डालने वाली विधा है, ये बिल्कुल ही असत्य है। आप यहीं पे सावधान हो जाइए। ऐसे बहुत से लोग हैं, कुछ भी डाल देते हैं, प्रयोग तो किए नहीं रहते हैं, और कुछ भी कह देना है, कुछ भी वीडियो बना के डाल देना है, तो ये निहायत ही गलत है, और ये दर्शकों के साथ एक धोखा है, गलत भ्रामक विचारधारा है। ये शनि देव का ही रत्न है, ये शनि देव का उपरत्न है। जिस प्रकार से शनि देव का उपरत्न बैंकाकी नीलम है और नीली है, कटैला है, ठीक उसी प्रकार से लाजवर्त भी शनि देव का उपरत्न है, या यूँ कहिए कि ये पहले मुख्य रत्न था, बाद में सिलोनी नीलम आदि मिले, और चूंकि ये बहुतायत में उपलब्ध है, बड़े परिमाण में उपलब्ध है, बहुत सस्ता रत्न है, इसलिए ज्योतिषीगण इसको रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत अधिक उनको लाभ भी नहीं मिलेगा। 1000 रुपये से लेकर के 2000 रुपये, 2500 रुपये के बीच में, 500 से लेकर के 2000 के बीच में बहुत ही उत्तम क्वालिटी का लाजवर्त प्राप्त हो जाएगा, और जो लाभ करेगा सिलोनी नीलम की भांति ही लाभ करेगा। तो अब उनमें उनको कमाने को क्या मिलेगा, मुख्य फंडा तो ये रहता है। आइए तो इस धारणा से निकल जाइए कि यदि 6, 8, 12 में शनि चला गया, या शनि मार कुंडली में मारक है, शनि अकार स्थिति में है, उस समय हम शनि को डाइल्यूट करने के लिए या राहु केतु को डाइल्यूट करने के लिए इस लाजवर्त को धारण कर लेंगे तो हमको बहुत अधिक लाभ हो जाएगा। इस धारणा से निकल जाइए, बिल्कुल ही गलत धारणा है। ये दिमाग में बैठा लीजिए कि लाजवर्त या लैपिस लेजुली शनि देव का ही रत्न है, बहुत अधिक उपलब्ध है, और इसका अवमूल्यन कर दिया गया है बाजारों में, जो सरासर अनुचित है। आइए, यदि आपकी के पास सिलोनी नीलम निश्चित तौर पे बहुत ही उत्तम है, बहुत दिनों तक प्रभावी होगा, उससे घनत्व तो बहुत अधिक है, ये भी प्रभावी है, लेकिन ये कुछ दिनों में ही हो सकता है कि ये निष्प्रभावी हो जाए, यह बात और है, लेकिन इसकी कीमत इतनी कम है कि हम बार बार इसको बदल सकते हैं। तो जब शनि देव कुंडली में कारक स्थिति में है, तो कारक स्थिति में तभी आएंगे जब यहाँ वृष लग्न हो, जब यहाँ तुला लग्न हो, यानी शुक्र के वृष लग्न हो, 2 नंबर की राशि हो, 7 नंबर की राशि हो, और साथ में 3 नंबर की राशि हो, 6 नंबर की राशि हो, 10 नंबर की राशि हो, और
11 नंबर की राशि हो। तो मात्र इन लग्नों में यानी शुक्र देव के लग्नों में, बुध के लग्नों में और शनि स्वयं के अपने लग्नों में कारक स्थिति में बनता है और शनि की पोजीशन अच्छी है। जैसे शनि केंद्र त्रिकोण में हैं या एकादश में हैं तो उस समय हम शनि के रत्नों को धारण, इस लाजवर्त को धारण करेंगे। बहुत सस्ता रत्न है, 500 से लेकर के 2000 रुपये में बन के तैयार हो जाएगा। त्रिलोह में बीच वाली अंगुली में, इस अंगुली में धारण करेंगे तो बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। बीच वाली अंगुली में ही धारण किया जाता है, त्रिलोह में धारण किया जाता है, त्रिलोह लोग नहीं बनाते हैं तो चांदी में ही बनवाया जाता है। चांदी में थोड़ा सा टाँका वाँका लग जाएगा तो ये तीन धातुओं का मिक्स हो जाता है और ये सिलोनी नीलम से थोड़ा सा कम या उसी की भांति काम करेगा। इसके वजन को अधिक कर लिया जाएगा 10 रत्ती 12 रत्ती 13 रत्ती तक। आइए तो अब हम देखते हैं कि यदि वृष लग्न है, शनि पूर्ण योगकारी बनेगा, दशम और ये नवम और दशम का स्वामी बनेगा और उस समय शनि यदि केंद्र त्रिकोण में हो तो हम इस लाजवर्त को धारण करेंगे, लाभ होगा। शनि 6, 8, 12 में जाए तो कदापि धारण नहीं करना है, 11 में धारण कर लेंगे। तीसरे होगा तो सोच सकते हैं, लेकिन 8 में चला जाए, 12 में चला जाए, 7 में छठा चला जाए तो बहुत ही एक्सपर्ट से दिखाने के बाद ही सोचेंगे इस रत्न को धारण करने के लिए। नहीं तो यहाँ 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 जाए तो लाजवर्त को धारण कर लेंगे। लेकिन शनि एक क्रूर ग्रह भी है, इसलिए कुंडली में यह मित्र राशि का हो और साथ में स्वगृही हो, मित्र राशि का हो और केंद्र त्रिकोण में हो तभी इसे धारण करने की सोचें। और भी शनि देव के रत्नों को धारण करने के लिए कुंडली में और भी कंडीशंस को देख लेना आवश्यक होता है, तो एक्सपर्ट के बाद ही धारण करें। दूसरा, यहाँ तुला लग्न होगा तो शनि पूर्ण योगकारी हो जाएंगे, चतुर्थ और पंचम के स्वामी होकर के उस समय भी कुंडली सर्वाधिक कारक ग्रह बन जाते हैं। तो वृष लग्न और तुला लग्न में सर्वाधिक कारक हैं, उन समय में यहाँ हो जाएँ, साथ में यहाँ हो जाएं, अर्थात स्व राशि के, मूल त्रिकोण के, केंद्र त्रिकोण के, उच्च राशि के यदि शनि हों तभी हम इस लाजवर्त को धारण करेंगे और केंद्र और त्रिकोण में हों तभी। मिथुन हो तो मिथुन में ये अष्टमेश भी बनते हैं तो अष्टमेश का भी दोष ले लेते हैं, फिर भी यदि वो यहाँ हो और यहाँ हो जाएं, 11, 12 और 1 यहाँ होके नीच हो जाएंगे, इसलिए नीच राशि का रत्न नहीं पहना जाएगा। तो मिथुन लग्न में अष्टमेश भी हो जाते हैं तो ये 50-50, कुछ अच्छे भी कुछ ख़राब में, और नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह हैं तो वहाँ भी सोच समझ करके देख करके ही पहनेंगे। जैसे यहाँ होगा तो पहन लेंगे, यहाँ भी होगा और बुध के साथ तात्कालिक मित्रता है तो पहन लेंगे। तो यानी केंद्र त्रिकोण में हो तभी पहनेंगे, 6, 8, 12 में जाएगा तो नहीं पहनेंगे। अब चलिए मिथुन लग्न में और कन्या लग्न में फिर इनकी पोजीशन बनेगी पहनने के लिए। तो कन्या लग्न आएगा तो 6, 7, 8 यानी 7 यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे, फिर भी दूसरा भाव है, बहुत शनि के लिए उचित नहीं है, तो अब सोच समझ के ही धारण करना है। फिर भी सोच सकते हैं क्योंकि उनकी उच्च राशि हो जाएगी। फिर यहाँ हो जाएंगे तो यानी मित्र राशि के, स्व राशि के और केंद्र त्रिकोण में होना आवश्यक है। तो अब फिर से संक्षेप में देखते हैं कि लाजवर्त वृष, तुला, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ लग्नों में ही धारण करेंगे। दूसरा, शनि केंद्र त्रिकोण में हो अथवा एकादश में हो और नीच राशि का न हो तभी इस लाजवर्त रत्न को धारण करेंगे, हर प्रकार का लाभ प्राप्त होगा। 6, 8, 12 में जाएगा तो धारण नहीं करेंगे, राहु केतु को डाइल्यूट करने के लिए धारण नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे और शनि की पोजीशन 6, 8, 12 में गई तो बहुत ही ज़बरदस्त नुकसान होगा। ये मेरा स्वयं का अपना अनुभव है, इससे निकलिए। ये मेरा धनु लग्न की कुंडली, अष्टम में शनि था, डाइल्यूट करने के लिए हमने पहना और बहुत बड़ा नुकसान तुरंत हुआ, तो मैं समझ गया। इसके बाद रत्नों का मैंने स्वयं बहुत ही प्रयोग किया है, स्वयं धारण कर करके, और मैं जानता हूँ आप देख ही रहे हैं मैं क्या पहन रहा हूँ।
तो इस प्रकार से ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे बढ़ाएँ।